बिहार में उर्वरकों की कमी का मुद्दा आज लोकसभा में भी गूंजा। सांसद सुशील कुमार सिंह ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है। उर्वरक के लिए औरंगाबाद के किसान काफी परेशान हैं। कालाबाजारी में 1200 के बदले 1800 रुपए प्रति बोरी के महंगे दाम पर किसान खाद खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। जब किसान सरकारी संस्थाओं के उर्वरक बिक्री केंद्र पर पहुंचते हैं तो वहां भी उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ी है। मांग ज्यादा और उपलब्धता कम होने के कारण उर्वरक बिक्री केंद्रों पर सुबह से ही किसानों की भारी भीड़ लग जाती है। घंटों कतार में लगने के बाद भी किसान जब काउंटर तक पहुंचते हैं तब तक खाद का स्टॉक खत्म हो जाता है और फिर अगले दिन आना और घंटों लाइन में लगना, इसके बाद भी खाद का नहीं मिलना ही इन दिनों किसान के लिए रोजमर्रा का काम बन गया है। अब किसानों को खाद खरीदने के लिए खुद के किसान होने का प्रमाण तक देना पड़ रहा है। बिना प्रमाण के खाद खरीदने आ जाने किसानों को बिक्री केंद्र पर अधिकारियों की झाड़ भी सुननी पड़ी है। इधर कृषि विभाग के अधिकारी भी किसानों को निर्धारित सरकारी दर पर खाद उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। नियंत्रित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए वे उर्वरक बिक्री की दुकानों पर भी निरीक्षण कर रहे हैं। वे दुकानदारों को सख्त हिदायत भी दे रहे हैं और इसके बावजूद किसानों को खाद सही तरीके से नहीं मिल पा रहा। यहाँ की खाद नहीं मिल पा रहा है, जो कि DAP 1200 का है तो बाजार में 1800 मिल रहा है, 1700 मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। सब चाप रहा है, दुकान की बंद शटर बंद कर रहा है कि है ये नहीं है, और वहाँ से आ रहा है दुकान पर कि जा रहा है, वहाँ दुकान पर बटेगा, मिल ही ना पा रहा है। अभी किसानों के लिए खाद की बहुत किल्लत है। हम लोग यहाँ 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और रोज चक्कर लगाते हैं, ये खाद मिल जाए खाद मिल जाए, नहीं खाद नहीं मिल रहा है। हम लोग भारी किल्लत के चलते हम लोग को खाद के चलते खेत नहीं बुन पा रहे हैं। हम लोग आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी जल्दी किसानों को उर्वरक का उपलब्ध। अब आज की सूचना है कि कुछ खाद के रैक जाने वाले हैं, लेकिन अभी फिर भी कमी है और यही समय है। अभी से 10 से 15 दिन तक अगर खाद नहीं पहुंचता है, DAP, NPK, फॉस्फेट, तो फिर ये बुआई का समय निकल जाएगा और किसान भारी नुकसान में होंगे। DAP का आपूर्ति अभी कल ही रैक आया है 2100 मैट्रिक टन का IFFCO का, और उससे पहले DAP का सप्लाई शॉर्ट सप्लाई था, क्योंकि DAP जो है कि डिमांड ज़्यादा है और इसमें जो है हम लोगों ने दिखा है कि विकल्प में 3 बोरा SSP और 1 बोरा यूरिया, ये एक विकल्प है, रिकमेंडेशन में है। धान में किसी ने अगर DAP डाला है तो गेहूँ में DAP की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो है SSP 3 बोरा और 1 बोरा यूरिया को डालेंगे तो आपकी गेहूँ की फसल अच्छी होगी।